हेलो फ्रेंड्स, बीएड स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के बारे में देखेंगे, मतलब एनसीएफ 2005। जो एनसीएफ 2005 था उसको हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या या रूपरेखा कहते हैं, और एनसीएफ की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और इसका एक जो थीम था, सूत्र था, वो था बिना बोझ के पढ़ना, मतलब लर्निंग विदाउट वर्डन। अब इसकी शुरुआत जो हुई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुई थी। मतलब एक रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था जिसका नाम था सभ्यता और प्रगति, तो उससे ही इसकी शुरुआत हुई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया था। मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD जो यशपाल जी थे उनकी अध्यक्षता में इस NCF 2005 को तैयार किया गया था। अब इस NCF के हम 5 मार्गदर्शन सिद्धांत देखेंगे। नंबर 1 क्या था, ज्ञान स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मतलब इसमें लिखा गया था, इसके सिद्धांत में पहला पॉइंट ये था कि जो ज्ञान है ना वो स्कूल तक ही सीमित नहीं रहे, उसको हमें बाहरी जीवन से भी उस ज्ञान को जोड़ना चाहिए। नंबर 2, परीक्षाओं को कक्षा गतिविधियों से जोड़ना और अधिक लचीला बनाना है। मतलब जो परीक्षाओं में गतिविधि हो रही है उसको ना ऐसा नहीं कि उसको थोप दो और इतना टाइट बनाओ कि शिक्षा का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, उन परीक्षा को गतिविधियों से जोड़ो, मतलब छात्रों की गतिविधियों से जोड़ो और उन्हें बहुत लचीला बनाओ जिससे छात्र बहुत आसानी से उसको समझ सके, सीख सके। तो ये सेकंड पॉइंट इसमें ये लिखा गया था। थर्ड पॉइंट था पढ़ाई की रटन प्रणाली को ख़त्म करना, कि मतलब पढ़ाई को सिर्फ रटाओ मत कि बच्चों को रटवा दी, पोएम रटवा दिया, ABCD रटवा दी, उन्हें हर एक चीज़ को समझाओ, बाहरी ज्ञान से उनको रिलेटेड करो, उन्हें सिखाओ ना कि रटवाओ। नंबर 4 था पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित न रह जाए। मतलब जो उनका सिलेबस होता है वो सिर्फ पुस्तक में जो लिखा गया है वो इतना ही नहीं रहे कि उसी पर ही डिपेंड रहो कि सिलेबस यही है, इसको पूरे साल पढ़ाना है, पूरे इसे एक साल में ख़त्म कर देना, अपना काम ख़त्म। अध्यापक ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पाठ्यचर्या को पुस्तक पर ही केंद्रित न रह जाए, उसको बाहरी जीवन से भी रहना चाहिए। तो इसका पॉइंट ये था। 5th पॉइंट था राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना। मतलब जो भी राष्ट्रीय महत्व के बिंदु थे पाठ्यक्रम में उनको शामिल करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का महत्व भी एक बच्चों के सिलेबस में होना चाहिए, प्रमुख बिंदु होना चाहिए। तो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत थे कि किस तरीके से शिक्षा होनी चाहिए। अब है NCF 2005 ने क्या सुझाव दिया था, तो अब देखेंगे हम उनके सुझाव। नंबर 1 था शिक्षण सूत्रों को अधिक प्रयोग हो, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर अधिक से अधिक शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना। मतलब बच्चों को पहले ऐसे सूत्र को अपनाना चाहिए, ऐसा ज्ञान देना चाहिए कि जो पहले तो जो चीज़ वो मूर्त है, जिसको वह जानता है, जिसको उस चीज़ को अमूर्त से जोड़ना, मतलब जो हम ज्ञान देना चाहते हैं उससे जोड़ना, मतलब जितना ज्ञान उसे पता है उस ज्ञान से हमें वो वाला ज्ञान देना जो उस बच्चे को नहीं पता है, तो इसको बोलते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर चलना। तो ये NCF का सुझाव था कि इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना चाहिए। नंबर टू था विशाल पाठ्यक्रम जुटी किताबें शिक्षण प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, इससे बचा जाए। मतलब एक मोटी मोटी जो किताबें होती हैं उन किताबों को इतने बैग भर भर के उनको दे दिया कि यही शिक्षा प्रणाली है, इसमें इसे सफल है, इसे असफल है, ऐसा प्रतीक नहीं बनाना चाहिए, इसे हमेशा बचा जाना चाहिए, मोटी मोटी किताबों से, इन चीज़ों से बचा रहना चाहिए। नंबर 3 क्या है,
बच्चों की धारणाओं में बदलाव किया जाए। एक अच्छा और प्रतिभाशाली विद्यार्थी वह होता है जो तर्क के अनुसार अपने को सही साबित करे। ऐसे बच्चों का निर्माण अध्यापक करे, मतलब बच्चों की जो धारणा होती है उसमें धीरे 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 बदलाव करना चाहिए, उनको धीरे धीरे एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की ओर लेके जाना चाहिए, उनमें अच्छे अच्छे गुण विकसित करने चाहिए, उन्हें अच्छे बुरे की समझ करनी चाहिए। तो एक विद्यार्थी को एक अच्छा प्रतिभाशाली विद्यार्थी बनाना चाहिए, तो इसका निर्माण अध्यापक करें, इस तरीके के बच्चों का निर्माण अध्यापक करें, यह सुझाव दिया था एनसीएफ ने। नंबर 4 था, बच्चे के माता पिता को एक संदेश दिया जाए कि बच्चों की छोटी उम्र में निपुण बनाने की आदत गलत है, वह बाल केंद्रित शिक्षा दी जानी चाहिए उन्हें। मतलब बहुत बच्चे होते हैं, मतलब बहुत बच्चों के माता पिता होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बचपन से ही निपुण बने, मतलब उनको इतना उन पर पढ़ाई का प्रेशर डाल देंगे, ये कुछ उन पर ये पढ़ ट्यूशन लगा ये लगा, तो ये गलत चीज़ है। उनको छोटी उम्र में ऐसी आदत डालना गलत है, उनकी शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, मतलब खेल खेल में वो चीज़ों को सीखना चाहिए, खेल खेल में उसको शिक्षा देनी चाहिए, उसका बालक ही केंद्रित शिक्षा दी जाए कि जिस प्रकार की बालक की एज है उसी के अनुसार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। तो 4th ये था। 5th था, खेल सहयोग की भावना पैदा करना है ना कि प्रतियोगिता। अब बच्चों को हम खेल खिला रहे हैं कि खेल भी इम्पोर्टेंट है, तो उनको खेल की भावना उनके अंदर पैदा करनी है, ना कि प्रतियोगिता कि ये फर्स्ट आएगा ये सेकंड आएगा ये प्रतियोगिता, बस उनको एज ए इन्जॉयमेंट उसको खेल में इंटरप्ट करवाना है, उनको कि खिलवाना है, ना कि प्रतियोगिता करवानी है, उनमें ऐसी भावना डालनी है प्रतियोगिता के कंपटीशन है, ऐसा नहीं, सिर्फ इन्जॉयमेंट। नंबर 6 है, बच्चों की मातृभाषा में शिक्षण कार्य कराया जाए व पुस्तकालय में बच्चों को पुस्तक पढ़ाने का खुद अधिकार दिया जाए। मतलब इसमें है बच्चों को जो शिक्षा दी जानी चाहिए ना वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए, उनकी स्टार्टिंग जो करनी चाहिए वो मातृभाषा से ही करनी चाहिए, और जो विद्यालय में पुस्तकालय होते हैं उसमें ऐसा नहीं कि बच्चे शिक्षक से अनुमति लेंगे तो वह पुस्तक पढ़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा पुस्तकालय में जाए और उसको जिस प्रकार की भी पुस्तक पढ़ने में इंटरेस्टेड है वो खुद उठाए, उसे खुद अधिकार होना चाहिए खुद उठा के वो पढ़ सके, जिससे वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों में इंटरेस्ट ले सके और अपने उस इंटरेस्ट से अपने आप को विकसित कर सके। तो पुस्तकालयों में जो पुस्तक होते हैं उसे पढ़ने का अधिकार बच्चों को स्वयं होने चाहिए, वे कि खुद उठाकर वे खुद ही पढ़े लें। तो ये अब हमारा ख़त्म हुआ राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा एनसीएफ 2005। उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बीएड से संबंधित हर टॉपिक बताया जाता है, बीएड की क्लासेस चलाई जाती हैं, बीएड वाले छात्रों को डीलैड बीटीसी वालों के लिए बहुत उपयोगी होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।